हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के 10 बज गए हैं, सबका नहाना धोना हो गया। जैसे मैंने कहा था, बच्चों की पड़ गई हैं छुट्टियां। संडे तक उनकी छुट्टी है, सैटरडे को उनके स्कूल में प्रोग्राम है और संडे तक उनकी छुट्टियां हैं। मतलब सैटरडे तक पड़ी हैं, फिर संडे तो है ही छुट्टी। और फिर पूजा भी हो गई है। और रूम की हालत देखोगे ना आप, इतनी खतरनाक कर रखी है बच्चों ने। और वो खिलौने लेके अंदर भी चले गया है, तो सारे खिलौने फैला रखे हैं इन्होंने। मैंने इनसे कहा कि जो अच्छे खिलौने वो छान के रखो और जो वैसे खिलौने, तो ये सब कर रहे हैं। ये छुट्टियां हैं तो कुछ तो बिजी रखना ही है, नहीं तो टीवी पे घुस जाते हैं बच्चे। तो मैंने कहा चलो अपने खिलौने छाँटो, तो वही कर रहे। खेल छाँटने के बजाय वो खेलने लग गए। कुछ इसने ले लिए, कुछ उसने ले लिए, और बस। तो करवाती हैं इनसे काम। और कपड़े मशीन में रखे हैं मैंने, कपड़े धुल रहे हैं। सोचा पहले कि शाम को धुलेंगी, फिर मैंने कहा चलो यार धुल देती हूँ। आज तो आरव है, मशीन ऑन ऑफ हो कर लेता है ना, इतनी दिक्कत नहीं। सिर्फ मुझे कपड़े डालने पड़ेंगे। तो नाश्ता हो गया है, बस सब चीज़ हो गया है। तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी अपना स्टार्ट कर देती हूँ। कुछ है तो नहीं आज कल दिखाने के लिए, बट चलो। आरव मेरी बिंदी लाना बेटा, बिंदी लगा देती हूँ ड्रेसिंग में, ऊपर सबसे ऊपर वाले में देखना, एक बॉक्स उसमें रखी है। तो बिंदी लगा लेती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, माथा सूना लगता है ना। और यहाँ पे ना बोली थी ना मैं, दाना सा भी है हल्का है, लेकिन अब इतना तेज़ नहीं। पहले तो बिंदी लगा के जैसे दर्द हो रहा था। तो चलो अपने आगे का काम करती हूँ। मतलब मैं अभी तो कपड़े धुल रहे, पानी ये खोल देगा, बंद कर देगा, तो डालने तो पड़ेंगे मुझे कपड़े। तो चलो मिलती हूँ बाद में। सो फ्रेंड्स, 12:30 हो रहे हैं और खाना मेरा बन गया है। काले चने की दाल है, चावल है। मौसम ना आज खराब सा हो रहा, और कपड़े भी देख कैसे उड़ रहे हैं हवा में। तो कपड़े भी धुल गए थे, और तो मौसम हो रहा है आज खराब सा। और बच्चे देख रहे हैं, और आवाज़ नहीं आ रही होगी ना, फैन चल रहा है। तो अभी ना मैंने बटन वगैरह साफ किया, ये बटन ना, ये पूरा बोर्ड इतना काला हो रखा था ना, मतलब पता नहीं कैसे हुआ यार, कभी नहीं होता। अभी देखो कितना साफ हो गया, काला मतलब ऐसी वो गंदगी ऐसी भी नहीं थी, पर पता नहीं काली सी परत सी इसमें जम रखी थी, धूल की थी शायद, क्योंकि पंखे चलने लग गए ना। तो बोर्ड वगैरह साफ किए मैंने अभी, क्योंकि फ़ोन पे बात कर रही थी ना। और मेरे आए हैं दो पार्सल, तो इन्हें अनबॉक्सिंग करती हूँ। चलो बच्चों, कर रहे हो अनबॉक्सिंग? अब खिलौने देखो यहीं पर रख दे बच्चों ने, दोनों पेटियाँ। चलो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, हाँ। आ जाओ। तो मैंने बिंदी लगाई थी, कब हो गई यार फिर से मेरी बिंदी? मेरे को तो बैठने दो, हटो। चलो कैची निकालो। तो आरव करेगा अनबॉक्सिंग। यार बेटा ऐसे करते हैं क्या, कहाँ से आप वो कर रहे हो, छेद क्यों किया आपने इस पेटी में? पेटी काम आती है मम्मी के। यहाँ से करो, चलो यहाँ से करो अनबॉक्सिंग। तो आपको नहीं आएगा, रहने दो मैं खोल रही हूँ, दो मैं कट करूँगी फिर आपको। करो ओपन करो। तो मैंने मंगाई है रेक, जो आती है ना किचन रेक, वो मंगाई है। आराम से फाड़ना मत, पेटी मेरे काम आती। तो ये मंगाई है मैंने देहरादून के लिए, अभी ये ऐसे ही जाएगी, देहरादून जाएगी, नहीं निकल रही। ये आई है 220 की, इधर तो मैं निकल, मैं लगा दूँ, मैं निकालती हूँ। तो ये रेक मंगाई है मैंने, और ठीक आई है। मैं सोच रही थी कैसे होगी, तो अच्छी आई है, मेरे वो बॉक्सेस आ जाएंगे इसमें। तो दूसरा पार्सल ये अनु ने आधा फाड़ दिया था, फिर मैंने उसे रोक दिया। ऐसे ही फाड़ दो ना हाथ से, हाँ। इसमें भी किचन का ही है, मोस्टली किचन का ही सामान मैं मंगाती हूँ। इससे मैंने मंगाया है, अभी दिखाती हूँ। नहीं फट रहा आपसे? खोलो इसे, कैची से करूं। तो ये खुल गया है दूसरा पार्सल, पहले से पूरा खोलो बेटा। एक चिमटा है, देखना इसकी क्वालिटी दिखाना।
कैची से काट दो उसे। कुछ खास भी नहीं है पर ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, काम चलाओ। 184 रुपए का आया ये, और कैची से काटो ना। हाँ, ये ऑयल के लिए जो होता है ना वो मंगाया है मैंने, ऑयल कंटेनर। ये तो घी वाला है, घी रखूंगी मैं इसमें। बेटा आप भी ना कैची से, तो बस बच्चों को तोड़ने फोड़ने में ही मजा आता है, तो ये मंगाया है मैंने। वो उसके अंदर चम्मच पहले डालो, फिर ढक्कन लगता है ऐसे। तो ये है, हाँ तो ये मंगाया है मैंने, ये दिखाती हूँ एक बार ढंग से। तो ये मंगाया, ये और ये एक साथ आया पार्सल। ये है 184 रुपए का, और ये है 220 रुपए की रैक है ये। और वैसे ये 250 की थी, बट मुझे मिल गई 200 में, ये ऑफर था शायद कुछ परसेंट। तो ठीक है, क्वालिटी ठीक है, रेक की तो ठीक है, इसकी भी ठीक है, वैसे पैसों के हिसाब से तो ठीक ही है। तो ये आ गया मेरा पार्सल, दोनों आज ही आ गए। सो फ्रेंड्स, शाम के 6 बजने वाले हैं, और अभी चाय नहीं, अभी नहीं पी हमने चाय, खाना ही मैंने लेट खाया। ये तो ये आ गए थे, इन्होंने खा लिया था, मैं नहीं उठी, मैंने कहा मुझे सोना है, मैं तब सो गई थी। तो मैंने अभी थोड़ी देर 5:30 बजे करीब शायद मैंने खाना खाया, तो हनु टीवी देख रहा है यार, अब नीचे चले गया। और इस पर ना बहुत जलन हो रही है पाँव में, अपना प्लास्टर वाले में गर्मी भी हो गई ना शुरू, तो इसमें ना एड़ी में मेरी बहुत ज़्यादा जलन हुई। मैंने बिच्छू पहना, मैंने उस दिन एक पाँव से निकाल दिया था ना जिसमें प्लास्टर बना, तो ये दूसरे में पहना हुआ, तो ये निकाला मैंने दिन में। और तो बस, और मौसम आज देख रहे हो आप, बादल ही बादल लगे मौसम में, आज बादल ही बादल है। इस पर ना जलन हो रही, खुजली इतनी हो रही थी, कल आज तो नहीं हो रही, कल इतनी खुजली भी दिन में बहुत ज़्यादा। गर्मी हो गई ना, अब प्लास्टर में थोड़ा होता ही है प्रॉब्लम। मन करा कि मैं खुद ही निकाल दूँ, छठवा दिन है आज, सोचो कल या परसों निकाल दूँगी 8वें दिन। तो फिर 10 दिन के लिए बोला है, वैसे तो 10 को दिन तो दिखाना है, पर देखती हूँ परसों, मन तो कर रहा है मेरा निकाल दो, देखती हूँ क्या होता है, जो भी होता है। ये निकाल ही नहीं देंगे वैसे, क्योंकि परसों फिर हमें देहरादून भी जाना है, और परेशानी होती है यार प्लास्टर से कहीं जाना ना। उस समय तो ज़्यादा मजबूरी थी, हनु के टाइम पे दूसरा ही दिन था मुझे प्लास्टर लगाए हुए, बट लेकिन अब तो 5-6-7 दिन तो हो ही गए ना, 7वां दिन कल हो जाएगा। अब तो देखते हैं जैसा भी होगा, अगर निकाल ले देंगे तो निकाल दूँगी मैं, वैसे मैं जिद्दी हूँ, निकाल ही दूँगी। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते, कुछ दिखा तो पा नहीं रही आजकल वीडियो में, बस जैसा भी बन रहा है बस बना रही हूँ कि कंटिन्यू रहे, नहीं तो फिर व्यू ना डाउन हो जाते हैं और ज़्यादा, इसलिए कंटिन्यू रहते। तो चलो इसी के साथ, मैं सोचो कौन आया, तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सो रखे देना।